आज बचले सोप्पू का सांभर बनाएंगे। उसके लिए नारियल कस के लिया है, साबुत धनिया, लाल मिर्ची थोड़ा भून के लिया है, टमाटर, इमली, बचले सोप्पू को धो के ऐसा काट लिया है। कन्नड़ा में इसको बचले सोप्पू कहते हैं। दाल हल्दी तेल डाल के बॉयल करके लिया है। अभी नारियल, टमाटर, धनिया, लाल मिर्ची सब नाइस पेस्ट कर लेंगे मिक्सी में डाल के। ये साग जो है वो कुकर में डाल रही हूँ, बॉयल दाल में ही, और वो पेस्ट जो करके रखा है ना वो भी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिक्सी धो के पानी भी डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी देख के हम डाल सकते हैं, उसमें भी पानी छूटता है। अभी इसको चोंक लगाएंगे। इसको घी में ही चोंक लगाते हैं। अभी कढ़ाई में मैं घी डाल रही हूँ, हींग, राई, जीरा, कड़ी पत्ता। अब इस चोंक को सांभर में डाल रही हूँ। अब ये 5 मिनट के लिए ऐसा ही बॉईल करेंगे। देखिए बचले सोप्पू का सांभर रेडी हो गया है, सर्विंग बोल में निकाल दिया है। बचले सोप्पू सांभर रेडी।